सो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस करने आए हैं, जो कि आज मंडे मार्केट हमारा, जो कि आज 46.90 पैसे आज मार्केट ऊपर रहा। आज गिरावट तो देखने को मिली, लेकिन गिरावट के साथ बाइंग भी देखने को मिली, जो कि हमारी कैंडल जो है ग्रीन के साथ ओपन हुई थी। यहाँ पे हमारी कैंडल ग्रीन के साथ ओपन होने के बाद मार्केट अप ट्रेंड देखने को मिला, और यहाँ एक इवनिंग स्टार बनने के बाद मार्केट यहाँ नीचे आई, और यहाँ से मार्केट साइडवेज चलता रहा और सपोर्ट रेजिस्टेंस खेलता रहा, जो कि आप जानते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस खेला करता है। लेकिन एक ये बड़ी रेड कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स हावी होने के साथ एक बड़ी कैंडल ले तो गए नीचे की तरफ, लेकिन जो यहाँ पे 46,200 के आसपास हमारा यहाँ पे सपोर्ट बहुत तगड़ा हाई था, मतलब बहुत ऑप्शन चैन में देखते तो बहुत तगड़ा सपोर्ट था। यहाँ से बायर्स ने मार्केट ऊपर खींच ली, तो मैंने जो पोजीशन बनाई थी अपनी, यहाँ पे पोजीशन बनाई थी अपनी पेपर ट्रेडिंग में, और ये मेरा एसएल था पूरा ये जितना। और यहाँ पे एक्चुअली देख सकते हैं आप, यहाँ से मार्केट रिवर्स मार सकता था, जो कि इस सेलर्स ने ट्रैप कर लिया था बाइंग, उसके बाद जो है ना मार्केट यहाँ से नीचे आया ज़रूर, लेकिन एक बड़ी 3 क्रॉस बुलिश कैंडल बनने के बाद मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिला, और फिर मोमेंटम बहुत हाई था, जिसके कारण अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। और फिर क्या हुआ गाइज, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक तो कर देता है, फिर यहाँ से बहुत तेज़ी से अप ट्रेंड होता है, फिर जब ब्रेकआउट मारता है तो सीधा ऊपर वाली रेजिस्टेंस को जाके आता है, और यहाँ से फिर रिजेक्शन मारता है, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे मजबूत था, 46,800 का रेजिस्टेंस बड़ा अच्छा था। तो यहाँ से मार्केट जो है अपने सपोर्ट के पास आती है, फर्स्ट सपोर्ट के पास, और फिर क्या होता है, मार्केट पूरा दिन साइडवेज चलता है, मार्केट फिर पूरा दिन साइडवेज चलता है ऐसे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ये, और फिर ये, फिर एक बार वही 3 बजे के आसपास अपना ट्रेड लेने का बनता है, लेकिन सपोर्ट के पास से होके निकलता है यहाँ रेजिस्टेंस के पास, और यहाँ से मार्केट यहाँ आती है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक बड़ी सी वो डोजी बनती है, डोजी जो कि यहाँ से ग्रीन 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 बुलिश होती है, और इसका जो एंट्री है ये हमारे ग्रीन के ऊपर होती है, ये हमारा ऐसा होता है, और यहाँ से जो कि हम लोग यहाँ यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे, लेकिन मार्केट बंद होने के बाद हमें कल जो है देखने को मिलेगा ये प्रॉफिट होगा, यहाँ पे इस जगह के आसपास मार्केट हमें प्रॉफिट देके जाएगी कल। तो मार्केट जो आज बंद हुआ है हमारा गाइज, मार्केट में जो है सेलिंग भी देखने को मिली आज, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बायर्स आए हैं और यहाँ से मार्केट को ऊपर ले गए, फिर यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिली सीधा नीचे। उसके बाद यहाँ पे जो ये हमारा मेन एरिया है, यहाँ पे ये सेकेंड सपोर्ट के पास, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे हमारे बायर्स ऐड हुए हैं, और ऐसे वैसे मतलब बायर्स नहीं ऐड हुए, बहुत तगड़े बायर्स ऐड हुए हैं। उसके बाद देखिए आप सीधा एक ये कैंडल मूव आती है, इस कैंडल की ये हमारी जो है ना 73 पॉइंट का मूव आता है, उसके बाद मार्केट एक ब्रेकआउट मारता है, फिर सेकेंड कैंडल भी ब्रेक करने की कोशिश करती है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाती। इसी में सेलर्स की अच्छी खासी हवा टाइट हो जाती है, बायर्स की और सेलर्स की, लेकिन फिर बायर्स हाई पड़ जाता है। उसके बाद बायर्स फिर एक और मूव लेके आता है, उसके बाद सेलर्स की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि उनका ऐसा लग चुका है, और बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में रहता है। फिर मार्केट थोड़ा नीचे देखने को मिलती है यहाँ पे, एक बार हम लोग जो है ना चार रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद आप देखते हैं, और जो कि यहाँ पे हमारा ये बन रहा था रेजिस्टेंस, और एक ये हमारा बन रहा था सपोर्ट। इस जगह के आसपास यहाँ पे, और एक ये मेरा अपना बन रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, ये जो ब्रेकआउट मारने के बाद यहाँ पे जो मार्केट सस्टेंस हुआ है, मतलब साइडवेज चला है, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस के पास आता है इस जगह पे, और यहाँ रेजिस्टेंस है तो मतलब फेक ब्रेकआउट होता है, यहाँ से तो सपोर्ट के पास आता है, फिर ये जो सपोर्ट है इसको फेंकता है बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस के बाद। यहाँ पे जो है ना सेलर्स ट्रैप कर लेते हैं, बायर्स एंट्री मार देते हैं, लेकिन सेलर्स ट्रैप कर लेते हैं, फिर यहाँ से जो सेलर्स मार्केट लाते हैं वो सीधा सपोर्ट तक लाते हैं। सपोर्ट में आप देख सकते हैं, मतलब ज़्यादातर जो बायर्स होंगे
वो सोचेंगे, सेलर सोचेंगे, क्योंकि एक मारुबोजू कैंडल बन रही है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, क्योंकि ये बनने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी नहीं, तो सेलर जो है यहाँ पे एंट्री बनाएगा इसका एसएल लगा के। लेकिन यहाँ से एक मारुबोजू बनता है, इसके बाद ये रेड ब्रेकआउट कर देता है। लेकिन यहाँ पे एक ग्रेव स्टोन डोजी भी तो बनती है गाइज, तो यहाँ से जो ना मार्केट सीधा अप देखने को मिलता है। तो सीधा यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड हो रहा था, लेकिन अगर मार्केट के पास टाइमिंग होती है ना, तो ये इसको ब्रेकआउट कर देता है, इस जगह को ब्रेकआउट कर देता है, लेकिन नहीं करता है, इसकी वजह से जो नहीं करता है। तो गाइज़ हम देख सकते हैं मार्केट कल हमारा साइडवेज चलने को हो सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट में बियरिश ट्रेंड देखने को मिलेगा, अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट आके बंद होगी इसी अपने 46,700-800 के आसपास ही, ज़्यादा मूव देखने को नहीं मिलेगा। तो ओके गाइज, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए। ओके।